हेलो स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का फर्स्ट सेमेस्टर रोमन न्यूमरल्स, इसमें हम रोमन काउंटिंग सीखेंगे। एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द सम हैव बीन डन फॉर यू। आपको काउंटिंग लिखनी है रोमन नंबर की 1 से लेकर के 40 तक, और कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, कुछ नंबर आपके लिए किए हुए हैं। तो हम लिखते हैं जैसे कि 1 को हम क्या लिखते हैं, ओनली आई। 2 को क्या लिखते हैं, डबल आई। 3 को क्या लिखते हैं, ट्रिपल आई। 4 को क्या लिखते हैं, आई वी। 5 को क्या लिखते हैं, खाली वी। 6 को वी आई। 7 को वी फिर डबल आई। 8 को वी फिर ट्रिपल आई। 9 को आई फिर एक्स, और 10 लिखते हैं हम खाली एक्स। अब 11 की बारी आती है, 11 में हम लिखते हैं एक्स आई। फिर 12 को हम लिखते हैं एक्स और डबल आई। 13 को हम लिखते हैं एक्स और ट्रिपल आई। 14 को हम लिखते हैं एक्स आई वी। 15 को हम लिखते हैं एक्स वी। 16 को हम लिखते हैं एक्स वी आई। 17 को हम लिखते हैं एक्स वी डबल आई। 18 को हम लिखते हैं एक्स वी ट्रिपल आई। 19 को हम लिखते हैं एक्स आई एक्स, एंड 20 को लिखते हैं डबल एक्स। ओके, नाउ इट्स टाइम टू 21। 21 को हम लिखते हैं डबल एक्स, क्योंकि 20 एक्स डबल एक्स था, इसलिए 20 का डबल एक्स और आई का 1, ये 21। फिर 22 डबल एक्स 20 और फिर 2 डंडे 22, इसी तरह से डबल एक्स ट्रिपल आई, ये हो गया 23, इसीलिए ट्रिपल एक्स। अब 4 का क्या था, आई वी, तो आई वी। अब 25 का डबल एक्स और फिर ऐसे कैसा वी, फिर डबल एक्स, फिर ये 6 वाला वी आई, डबल एक्स, फिर ये 7, फिर डबल एक्स, फिर 8, डबल एक्स, फिर ये 9 और ट्रिपल एक्स 30। ओके, अब आ रही आती है 31 की। 31 में हम क्या करेंगे, पहले 30 लिखेंगे। 30 कैसे लिखते हैं, ट्रिपल एक्स फिर 1, ट्रिपल एक्स फिर 2, 32 ट्रिपल एक्स फिर 3, 33 ट्रिपल एक्स, और फिर 4 कैसे लिखा हुआ है, वैसे 4 लिख दो ट्रिपल एक्स। फिर 5 कैसे लिखा हुआ है, वैसे 5 लिख दो ट्रिपल एक्स। 6 कैसे लिखा हुआ है, वैसे 6 लिख दो ट्रिपल एक्स। 7 कैसे लिखा हुआ है, वैसे 7 लिख दो ट्रिपल एक्स। फिर 8 कैसे लिखा हुआ है, एज इट इज 8 लिख दो, फिर ट्रिपल एक्स। फिर 9 लिखना है आई एक्स, और फिर 40 का क्या आता है, एक्स एल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। अब नेक्स्ट करते हैं, चलो ये नाउ क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर एंड अदर यूज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इससे सिंपल से करना है, जैसे वी आई, वी आई का मतलब क्या होता है 6, और आई वी का मतलब क्या होता है 4, तो बड़ा कौन है 6, इसलिए किसका सिंबल आएगा, ग्रेटर देन का। अब यहाँ पे देखो डबल एक्स 2 और एक्स डबल 2, अगर इसका मतलब होता है 22 और इसका मतलब होता है 12, तो बड़ा कौन है 22, तो ग्रेटर देन का सिंबल। अब ये ट्रिपल एक्स, ये भी ट्रिपल एक्स, यानी इसका मतलब भी 30 होता है, इसका मतलब भी 30 होता है, तो किसका सिंबल आएगा, इक्वल। अब यहाँ पे ये क्या है 39 और ये क्या है 38, बड़ा कौन है 39, तो किसका सिंबल आएगा, ग्रेटर देन का। ये क्या है 24 और ये क्या है 34, बड़ा कौन है 24 या 34, 34, तो लेस देन का सिंबल आएगा। ये 31 और ये 13, तो बड़ा कौन है 31, तो किसका सिंबल आएगा, ग्रेटर देन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट द आंसर इन रोमन रोमन न्यूमरल्स। अब जैसे इसका मतलब क्या है 6, इसका मतलब है 6 में 6 प्लस करते हैं तो क्या आता है 12, और 12 को कैसे लिखते हैं, एक्स डबल आई। अब इसका मतलब देखो क्या है 10, और इसका मतलब क्या है 16। अब 10 में कितना प्लस करेंगे हम, 16 आएगा 6, तो 6 को कैसे लिखते हैं, वी एंड आई। इसी तरह से वी का मतलब क्या होता है 5, और वी डबल आई का मतलब 5 6 7, तो 5 में 7 को प्लस करो कितना आएगा 12, और 12 को कैसे लिखते हैं, पहले एक्स और फिर 2i, इसको क्या बोलते हैं डबल एक्स को 20, और ट्रिपल आई को क्या बोलते हैं 3, इसका मतलब क्या होता है 23, और 23 को कैसे लिखते हैं 2x और 3i। अब आ रही आती है इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं 30, और ये क्या है 35, 30 में कितना प्लस करेंगे 5, प्लस करेंगे तभी 35 होगा, और 5 को हम क्या लिखते हैं ओनली वी। अब ये क्या है 30, और ये क्या है 9, 30 में से 9 माइनस करो तो कितना आएगा 21,
और 21 को हम क्या लिखते हैं, डबल एक्स आई। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट।